Good morning, Bachcho. Today I am going to teach you my words book. Okay, and in this book we are going to study about the chapter 4. The name of chapter of family. Bachcho, इस chapter में हम क्या पढ़ेंगे? Of family, यानी कि परिवार. ठीक है, एक परिवार. यानी परिवार में कौन कौन से सदस्य रहते हैं. ठीक है, आपके भी परिवार में बहुत सारे सदस्य रहते हैं, मेंबर रहते हैं, जैसे फादर, मदर, दादा, दादी, भाई, बहन, अंकल, आंटी. ठीक है, तो इस लेसन में हम इनके बारे में ही पढ़ेंगे. तो जिस तरह से देखिए पिक्चर आप देख सकते हो, लुक एट द पिक्चर. दिस इज द पिक्चर ऑफ द वैट्स फैमिली. द वैट्स फैमिली, ये वैट्स फैमिली की पिक्चर है. आप पिक्चर में देख सकते हो. हाँ, देखिए इधर टोनी, दिस इज अ टोनी. यह क्या है? ये टोनी है. ये फ्रैंक, दिस इज अ फ्रैंक. ये कौन है? ये फ्रैंक हैं. और आगे देखिए बच्चों, नैन्सी, नैन्सी का पिक्चर आप देख सकते हो. ये कौन है? नैन्सी है. और इधर देखिए गर्ल्स का एक पिक्चर है जिसका नाम क्या है? पैटी. मतलब ये क्या है? फैमिली है. इसको इसको क्या क्या दिया हुआ है देखिए चैप्टर में? द वैट्स फैमिली, यानी एक ये फैमिली है. द वैट्स फैमिली, ये क्या है? वैट्स फैमिली है. ठीक है, अब हम ऊपर जाएंगे, सेंटेंसेस कुछ देखेंगे. टोनीज फैमिली, आपने टोनी को, टोनी का पिक्चर देखा ना, तो ये टोनी की फैमिली है. टोनी वैट्स हैज अ सिस्टर, टोनी की एक सिस्टर है. हर नेम इज पैटी वैट्स. ठीक है, हर नेम इज पैटी वैट्स, उसका नाम पैटी वैट्स है. टोनी इज पैटीज ब्रदर, टोनी पैटी का भाई है. टोनी क्या है? पैटी का भाई है. फ्रैंक वैट्स इज टोनीज फादर, फ्रैंक वैट इज टोनीज फादर. यानी कि फ्रैंक वैट्स जो हैं टोनी के फादर हैं, पिता हैं. ठीक है, टोनी इज फ्रैंक सन, टोनी जो है वो फ्रैंक का बेटा है, सन है. ठीक है, टोनी क्या है? फ्रैंक का बेटा है, सन है. ऑल राइट, पैटी इज फ्रैंक्स डॉटर, पैटी जो है फ्रैंक की डॉटर है. ठीक है, फ्रैंक की क्या है? डॉटर. डॉटर मीन्स बेटी, पुत्री, जो भी होता है. ठीक है, पैटी इज फ्रैंक्स डॉटर, यानी कि पैटी जो है फ्रैंक की डॉटर है. अब हम नीचे आएंगे, लुक एट द सेंटेंस. नैन्सी वैट इज टोनीज मदर, नैन्सी वैट जो है वो टोनी की क्या है? मदर है. टोनी इज नैन्सी सन, टोनी इज नैन्सी सन, टोनी जो है नैन्सी का क्या है? सन है. नैन्सी क्या है? मदर है ना टोनी की, तो टोनी क्या हुआ? नैन्सी का बेटा हुआ. पैटी इज नैन्सी डॉटर, पैटी जो है नैन्सी की डॉटर है. ठीक है, नैन्सी जो है पैटी की क्या है? मम्मी है. फ्रैंक एंड नैन्सी आर टोनीज पेरेंट्स, ठीक है, फ्रैंक और नैन्सी जो हैं वो टोनी के माता पिता हैं. फ्रैंक और नैन्सी कौन है? टोनी के माता पिता हैं. फ्रैंक, नैन्सी, टोनी एंड पैटी आर अ फैमिली, यानी फ्रैंक, नैन्सी, टोनी और पैटी ये एक फैमिली है, एक परिवार है. ठीक है, दे लिव इन द सेम हाउस. परिवार क्या होता है बच्चों? एक घर में रहता है ना, एक हाउस में रहते हैं. इसी तरह वे भी अपने सेम, मतलब एक ही साथ, एक ही हाउस में रहते हैं. टोनीज फैमिली एक साथ, एक परिवार में रहते हैं, एक हाउस में रहते हैं. ठीक है, दे हैव द सेम सर नेम और लास्ट नेम, उनका सेम सर नेम भी होता है और लास्ट नेम है. सर नेम को हम लास्ट नेम भी, जो वैट लग रहा है ना, नैन्सी वैट, टोनी वैट्स, पैटी वैट्स, आपका भी लगता है. जैसे आप आपका कोई भी नाम है लाइक आयुष यादव, तो जो यादव यादव जो लग रहा है ना, वो क्या है? एक लास्ट नेम या सरनेम है. तो ये सेम होता है एक फैमिली में, ये जो लास्ट और सरनेम लगते हैं वो सेम लगते हैं. ठीक है, अब हम नीचे आएंगे, कुछ एक्सरसाइज देखेंगे बच्चों. देखिए आप, लुक एट द पिक्चर एंड फील इन द ब्लैंक्स, यानी पिक्चर को देखेंगे और क्या करेंगे? फील करेंगे सेंटेंसेस को. ठीक है, पिक्चर देखिए बच्चों, यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है. रवि, एक रवि का पिक्चर है. पूजा, ठीक है, पूजा का पिक्चर है. उदय, देखिए एक छोटा सा बच्चा है ना, बॉयस, उसका नाम क्या है? उदय है. और साइड में देखिए, राइट साइड में चित्रा, यानी कि उस गर्ल्स का क्या नाम है? चित्रा है. यह कुमार फैमिली है, द कुमार फैमिली. ठीक है, ये कौन सी फैमिली है? कुमार फैमिली.
अब हम देखेंगे पॉइंट पॉइंट नोट करेंगे. फर्स्ट पॉइंट नोट डाउन. उदय's फादर नेम इज उदय के पिता का क्या नाम है बच्चों? आप पिक्चर में देखे थे ना, आप बता सकते हो, देख सकते हो, मिस्टर रवि. ठीक है, उदय के फादर का नाम क्या है? मिस्टर रवि. सेकेंड पॉइंट, चित्रा's मदर्स नेम इज मिसेस पूजा. यानी चित्रा की मदर का नाम क्या है? मिसेस पूजा. ठीक है. नंबर थ्री पॉइंट, रवि एंड पूजा आर उदय's पेरेंट्स. यानी रवि और पूजा क्या है? उदय के पेरेंट्स हैं. क्या है? उदय के पेरेंट्स हैं. ठीक है. अब हम फोर पॉइंट पे आएंगे. चित्रा इज उदय सिस्टर. यानी चित्रा कौन है? उदय की सिस्टर है. ठीक है, चित्रा उदय की बहन है. ठीक है बच्चों, चित्रा जो है उदय की क्या है? बहन है. नंबर फाइव पॉइंट, उदय इज चित्रास ब्रदर. उदय जो है चित्रा का क्या है? भाई है. ठीक है, उदय क्या हुआ? चित्रा का भाई. दोनों भाई बहन है ना, तो उदय क्या हुआ? चित्रा का भाई हुआ. तो यहाँ पे हमने पहले से फिल किया है, उदय इज चित्रास ब्रदर. ओके. नंबर सिक्स पॉइंट, रवि's डॉटर नेम इज चित्रा. यानी रवि की डॉटर का नाम क्या है? तो चित्रा है. ठीक है, रवि की डॉटर का नाम क्या है बच्चों? चित्रा. नंबर सेवन पॉइंट, पूजा's सन नेम इज उदय. पूजा के बेटे का क्या नाम है? उदय है. आप देख सकते हो पिक्चर में ना, तो पूजा के बेटे का क्या नाम है? उदय. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड इट. ओके, नीचे आएंगे हम. देखिए बच्चों, कुछ लिखने के लिए, राइट करने के लिए आप लोग को मैंने दिया हुआ है ये लेसन, फैमिली फिल इन द ब्लैंक्स. इसको फर्स्ट पॉइंट जो है मैंने पहले से फिल किया हुआ है, जिसको मैं रीड कर रही हूँ. आप देख सकते हो, माई फादर एंड मदर आर माई पेरेंट्स. यानी माई फादर एंड मदर आर माई पेरेंट्स. ऑप्शन में ब्रदर है, सिस्टर है, पेरेंट्स है, तो इसमें क्या फील करना है बच्चों? कि माई फादर एंड मदर आर माई, इसमें से हम चूज करेंगे कि ब्रदर इसमें राइट होगा या सिस्टर्स राइट होगा या पेरेंट्स. तो हम पढ़ चुके हैं आपके लेसन में, अपने लेसन में, कि माई फादर और मदर क्या होते हैं? मेरे पेरेंट्स होते हैं. तो हम पेरेंट्स इसमें फील करेंगे. ठीक है, फील मैंने किया हुआ है. सेकेंड नंबर, I am my parents. इसमें आपको फील करने हैं, you will feel have to do. ओके, आपको इसमें फील करने हैं खुद से. I am my parents में आप क्या, आप सन हो कि डॉटर हो? अगर सन हो तो सन फील करोगे. If you is daughter, तो आप क्या करोगे? डॉटर फील करोगे. ठीक है. नंबर थ्री, माई फादर नेम इज, इसमें अपने फादर का नाम आप लिखिएगा. नंबर फोर पॉइंट, माई मदर्स नेम इज, इसमें अपने मदर का नाम लिखिएगा. ठीक है, तो इस तरह से आपको ये होमवर्क करना है. ठीक है, ओके, थैंक यू.